के सभी अध्यात्म जगत के शिखर पुरुष हमारे बहुत ही बहुत पूजनीय रजनीय वर्णनीय पूर्व काश्मी गुरु कृष्णानंद जी महाराज के प्रति अपना बहुत बहुत आदर व्यक्त करता हूँ और हमारे इस मंच के शोभा बने हुए सभी संत जनों के प्रति मैं अपना वंदन प्रस्तुत करता हूँ। मैं केवल दर्शन करने के लिए आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि वो सामने है और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हिमालय की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे शिखर दिखाई देते हैं, उन्हें में जब एक उच्च शिखर को देखता हूँ तो गुरु काश्मी भी आ जाता है। बहुत सरल है, सौम्य है और उनकी प्रतिमूर्ति में स्वामी ज्ञानानंद जी में देखता हूँ। जब कल उनका फोन आया था स्वामी ज्ञानानंद जी का, तो अगर मगर करने की कोई संभावना थी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। आत्मीयता अपना स्थान रखती है। अभी पटियाला वाले महाराज जी एक वेद का मंत्र और उसकी बात कर रहे थे, योग की चर्चा उन्होंने की, क्योंकि मैंने इस समय कोई प्रवचन नहीं करना, दो शब्दों में कुछ बात कहना चाहूंगा। बहुत सारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं, उनमें एक प्रार्थना है अग्ने तम सुजात गृह वयम सुमंदिशी मई रक्षाणो अप्रियम प्रभु दे न पुनस्कृति। ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप प्रभु तुम अपनी ज्ञान ज्योति को मुझ में जगा दो। फिर हम सभी वयम सुमंदिशी में हम सब आनंद से भर जाए। और फिर प्रार्थना की गई रक्षाणो अप्रयुच्छन अप्रमाद के साथ प्रभु सदैव हमारी रक्षा हो और अगर फिर भी हम सो जाए प्रभु दे न पुनस्कृति, तो किसी भी तरह से मुझे फिर से जगा देना क्योंकि मैं जागना चाहता। हमारा भारतीय समाज का हिंदू समाज का बड़ा सौभाग्य है, समय समय पर अनेक ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि सिद्धि संत हमारे भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए हमें जागृत करने के लिए समय समय पर आते रहे। और इस युग में हम जिन संतों को देख रहे हैं ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, चाहे ऋषिकेश हरिद्वार से पधारे हुए संत हैं या फिर पूरे भारत में जो बल्कि देश विदेश में गीता को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं सभी संत आज के समय में हम सब के लिए। बाद में आप सब याद करोगे कि आपके पुत्र पौत्र सब कहेंगे हमारे पिताजी या दादाजी गए थे, उन्होंने गुरु काश्मी को देखा या संत ज्ञानानंद जी को देखा या इतने बड़े संत प्रथम बार यहाँ पधारे, मैं भी पहली बार उनसे मिल रहा हूँ और अच्छा लगा उनको देखकर। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ उनको क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने स्वामी जी से कहा हुआ है कि मैं अनायास एक बार आपकी पावन उपस्थिति में मैं अवश्य पहुंचूंगा। रमन रीति में मैं भी रमण करने के लिए आऊंगा, मेरी इच्छा है। एक संत हुए हैं दक्षिण भारत में पुरंदर दास, परमात्मा की याद में उन्होंने 2000 गीत गाए, बहुत थोड़े से सुरक्षित रहे। उनमें उन्होंने एक वंदना की
और मनुष्य मात्र के लिए संदेश दिया कि दो हाथ वाले इंसान तेरे मालिक के दो नहीं हजार हाथ हैं। जब वो तुझे देता है तो दो हाथ से नहीं देता, हजारों हाथों से देता है। तो विनत बन, इन दो हाथों को जोड़ और उसका कृपा पात्र बन। क्योंकि जब वो लेने पर आता है तो भी दो हाथों का इस्तेमाल नहीं करता, हजारों हाथों से सब कुछ ले लेता है। तेरा अहंकार किसी काम का नहीं। और फिर कहा, नदी टेढ़ी हो सकती है, जल टेढ़ा नहीं, गन्ना टेढ़ा है, रस टेढ़ा नहीं, ये जगत टेढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका बनाने वाला टेढ़ा नहीं। सरल कंठ से पार। दक्षिण में एक और संत हुए हैं, तिरुवल्लुवर महाराज। उन्होंने कहा कि तेरे दर पर कभी कोई सहायता के लिए आए, ये बस हो तो उसकी आंख में मुस्कान दे सके तो प्यारे का प्यारा बन सकता है। और अगर ऐसा नहीं करता, फैले हुए कटोरे को देखना, कभी उसने होते हुए नहीं दिया था तो उसके हाथ में कटोरा है, तो होते हुए देना जरूर, क्योंकि उसे कटोरे बदलने में देर नहीं लगती, कहीं मेरे हाथ में कटोरा तेरे हाथ में आ जाए। ये संदेश देने के लिए वो तेरे दर पर आया है। दक्षिण के हों या उत्तर के हों, सभी संतों ने समाज के बीच में पुल का काम किया है, समाज को जोड़ा है। और ये तो है ही मेला मेल के लिए, और फिर अमृत कुंभ। तो ऐसे समय में हमको इतने बड़े सभी संतों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, ये बड़ा सौभाग्य। हमसे मिलने बहुत लोग आते हैं, हम इनको मिलने आए हैं, हम उनको हर बार प्रणाम करते हैं। और मैं किसी और समय में जरूर आऊंगा और आपका दर्शन करूंगा, स्वामी ज्ञानानंद जी के प्रति और समस्त संत चरण के प्रति मैं अपना बहुत बहुत प्रणाम और वंदन प्रस्तुत करूँगा।